लोगों का प्री हुआ, मेंस हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके हमारे कागज भी जमा हो गए। जब हमारा रिजल्ट आया तो पूरा हमारी पूरी लिस्ट ही गायब है। हमारे काफी परेशानियों को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचाऊँ। ये एसी में बैठ करके अधिकारी कैसे तय कर दे रहे हैं कि हम टीचर बनने लायक नहीं है, हम शिक्षा विभाग में नहीं जा सकते, न्याय विभाग में नहीं जा सकते। जब हम विकलांग होने के बाद लेखपाल की नौकरी नहीं कर सकते, फील्ड वर्क नहीं कर सकते, तो फिर वो जो लड़के पास होकर नौकरी कर रहे हैं वो काम कैसे कर पा रहे हैं? सचिव साहब कहते हैं थोड़ी छोटी सी गलती आयोग की थी, आप लोगों ने आपसे फार्म भरवा लिया, ऐसा छोटी सी गलती है, 4 साल हमारा लिए। इस भाजपा सरकार का हम दिव्यांग जनों ने क्या बिगाड़ा है? ऐसी कौन सी गाय बैल या कौन सा उनका अचल या चल संपत्ति हमने चुरा ली या कौन सा उनका नुकसान कर दिया कि वो हम दिव्यांगों से इतने जले बुने बैठे हैं? अधिकारी आते हैं वो सीधे कहते हैं कि मैं तो आसानी से नौकरी पा गया हूँ, आप लोग पता नहीं क्यों संघर्ष कर रहे हैं, ज्यादा तो जाइए कोर्ट जाइए। दिव्यांग महागठबंधन जिंदाबाद। दिव्यांग लेखपाल अभ्यर्थी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इको गार्डन पे धरने पे बैठ चुके हैं। इनकी गलती क्या है? इन्होंने लेखपाल भर्ती में फॉर्म भरा, प्री दिया, मेंस दिया, क्लियर हो गए, वेरिफिकेशन हो गया डॉक्यूमेंट्स, लेकिन इनको अयोग्य बता के अब इनको हटा दिया गया है। तमाम लोग हैं, महेंद्र जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। महेंद्र जी, क्या कुछ मामला है, धरने पे बैठ गए? सर महेंद्र, मैं गाजियाबाद से आता हूँ और सर हम लोग लेखपाल अभ्यर्थी हैं पीएच कैटेगरी के जी। तो हमारी मैं क्या होता था ऑर्थोपेडिक के लिए हैंडीकैप कैटेगरी से आते हैं हम लोग, जिनको चलन संबंधी क्रिया में समस्या है, लेकिन विभाग की लापरवाही की वजह से हम लोगों का प्री हुआ, मेंस हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके हमारे कागज़ भी जमा हो गए। और जब हमारा लिस्ट आया, जब हमारा रिजल्ट आया तो पूरा हमारी पूरी लिस्ट ही गायब है। कितने अभ्यर्थी हैं इसमें? सर इसमें 4,600 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और ये 188 सीट हैं टोटल। और सर आने वाली भर्तियों में भी इन्होंने हमारी जो ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है उसको वन लेग, बोथ लेग, वन आर्म, बोथ आर्म करके OAL, वन आर्म लेग, अलग अलग बांट के पूरा सिस्टम ऐसे कर दिया सर। हमारी सीटें हर बार खाली जाएंगी और जो चयनित अभ्यर्थी होंगे वो हमेशा धरने पे बैठे रहेंगे। अब ये प्रशासन की तरफ से ये दिखाया जा रहा है कि चयनित अभ्यर्थी न मिलने के कारण 188 सीटें खाली छोड़ दी गई हैं, जबकि आप देख सकते हैं यहाँ कितने अभ्यर्थी हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक करवा चुके हैं और हम लोग बैठे हुए हैं बस इतनी इंतजार में कि कभी इनकी आँखें खुलेंगी। पर उप मुख्यमंत्री से प्रशासन क्या कहता है, सरकार क्या कहती है, जब आप राजनेताओं के पास जाते हैं वो क्या कहते हैं? सर नेताओं के पास जाते हैं वो कहते हैं कि आपका डिपार्टमेंट योगी जी के पास है, इसमें जो हो सकता है वो सिर्फ वही करेंगे। और अधिकारी कहते हैं कि ठीक है हम मानते हैं, कुछ कैटेगरी इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब वो नेगोशिएट करते हैं अगली भर्ती के लिए, लेकिन इस भर्ती से आप बाहर ही हो। और हम तो कहते हैं सर अगर हमारा आरक्षित सीटें हैं वो विकलांग की, तो आप विकलांग सीट से किसी भी विकलांग को जो सेम कैटेगरी से आ रहा है उसको सब कैटेगरी के नाम पर बांट के आप कैसे हटा दोगे? जब वो चयनित हैं, जब वो सीटें हमारे लिए चिन्हांकित की गई हैं कि विकलांग कैटेगरी को मिलेगी, फिर आप ये कैसे कह दोगे आपके एक पैर में समस्या है, आपके एक हाथ में समस्या है, या दो पैर में या दो हाथ में? और एक ऑफिस में बैठा हुआ बाबू बिना किसी डॉक्टरी जांच के, बिना किसी शारीरिक परीक्षण के कैसे डिसाइड कर लेता है कि कोई आदमी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है? ये हमारा प्रश्न है सर। और ये सिर्फ इस भर्ती की बात नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑर्डर के बाद ये पहली भर्ती है, आने वाली सभी भर्तियों में ये पहली भर्ती है जो जिसमें मतलब हैंडीकैप एलिजिबल हैं और उस भर्ती में हमारे साथ ये हो रहा है, अगली सभी भर्तियों में यही होने वाला है। चलते हैं बीच में, इन्हीं के साथ इन्हीं के आंदोलन का हिस्सा भी बनते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनकी दिक्कतें हैं। कब से आप इस आंदोलन में शामिल हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणजीत सिंह है और मैं जिला मुरादाबाद के पास 25 किलोमीटर के ग्रामीण क्षेत्र से आया हूँ। और मैं जब जब यहाँ का जो हमारा धरना चल रहा है, यहाँ पर जो लोग धरने दे रहे हैं लगातार, और उन्होंने जब जब मेरे को बुलाया है मैं तब तब आया हूँ और काफ़ी परेशानियों को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। और शासन से हमारा और केवल मेरा ही नहीं, यहाँ सभी जितने भी लोग आए हुए हैं और जो घरों पर बैठे हुए हैं उनका भी ये केवल ये प्रश्न है कि जब हमारी वैकेंसियाँ हैं तो वो हमसे क्यों नहीं भरी जा रही, हमें क्यों उस वैकेंसी से बाहर किया जा रहा है, जबकि हम भी विकलांग हैं और जो लड़के इसकी वैकेंसियों में जो जनरल के नंबर पास कर गए वो लड़के ड्यूटी कर रहे हैं और लगभग आठ महीने की ड्यूटी कर चुके। जब हम विकलांग होने के बाद लेखपाल की नौकरी नहीं कर सकते, फील्ड वर्क नहीं कर सकते, तो फिर वो जो लड़के पास होकर नौकरी कर रहे हैं वो काम कैसे कर पा रहे हैं?
हमारा केवल योगी जी से ये प्रश्न है। दूसरी चीज, जब हमारे पूर्व सरकारों ने, जो इससे पहले सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने कोई भी फेरबदल नहीं करा, तो फिर आप इस जो शासनादेश था पिछला, उसमें आप फेरबदल क्यों कर रहे हैं? आखिर हमने, आप भाजपा सरकार है इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर, इस भाजपा सरकार का हम दिव्यांगजनों ने क्या बिगाड़ा है? ऐसी कौन सी गाय बैल या कौन सा उनका अचल या चल संपत्ति हमने चुरा ली या कौन सा उनका नुकसान कर दिया कि वो हम दिव्यांगों से इतने जले बुने बैठे हैं कि हमारे सारी इन वैकेंसियों से दरकिनार करते हुए नेगलेक्ट कर दिया गया। अभी बता रहे थे बड़े भैया कि 68 विभागों का एक इन्होंने फिर अध्यादेश जारी करा है, जिसमें इन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये इस वैकेंसियों में रखे नहीं जाएंगे। आखिर आप क्या चाहते हैं? या तो एक नई पॉलिसी ये लाओ कि हर विकलांग व्यक्ति को हम साइनेट बांटेंगे और हर दिव्यांग बंदा और अपने साइनेट खाएगा और वो आदमी खत्म हो जाएगा। हो जाने के बाद ना उत्तर प्रदेश के अंदर दिव्यांग रहेगा, ना ये विकलांगों के बारे में कभी विचार आएगा। जी, मेरा नाम तेज बहादुर प्रसाद है, मैं देवरिया से हूँ। सर, शासन प्रशासन आज 9 महीना से हम लोग को सिर्फ हमारी बातें टाल रहा है। जो भी जिन भी अधिकारियों से हम लोगों ने मिला है, वो सिर्फ पहले के अप्रैल महीने 4 महीने तक तो ये लोग कहते रहे, हमको आश्वासन देते रहे कि आपको इसी भर्ती में लिया जाएगा, लेखपाल भर्ती 2022 में ही लिया जाएगा। अब जून से जब हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं, तब कह रहे हैं कि आपको अगली भर्ती में लिया जाएगा, 2022 लेखपाल भर्ती में नहीं लिया जाएगा। हम कह रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं कि अगर हम लेखपाल भर्ती 2024 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो 2022 के लिए क्यों नहीं एलिजिबल हो सकते हैं? ये सरकार में बैठे लोग कैसे तय कर दे रहे हैं कि हम, मतलब जो 68 विभाग इन लोगों ने चिन्हित किया है शासनादेश में, उन 68 विभागों से हमको बाहर किया गया। ये एसी में बैठ करके अधिकारी कैसे तय कर दे रहे हैं कि हम टीचर बनने लायक नहीं है, हम शिक्षा विभाग में नहीं जा सकते, न्याय विभाग में नहीं जा सकते, खेल विभाग, कृषि विभाग, आबकारी विभाग, कार्मिक विभाग, सभी विभागों में इन लोगों ने हमको बैन करके रखा है। सर, ये जनता के भलाई के लिए बनाई गई सरकार, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार हमारी भला नहीं सोच रही है, तो एक प्राइवेट सेक्टर हमारा क्या भला सोचेगा? एक दिव्यांगों को नौकरी क्यों देगा? मेरा नाम कृष्णा सिंह है सर, मैं चंदौली जनपद से हूँ। मैं जी सर, आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी और दिव्यांग महागठबंधन के बैनर तले, यहाँ पे आह्वान पर सारे दिव्यांग, हर पार्टी के दिव्यांग के लीडर बस इकट्ठा हुए हैं और हमारी संख्या भी आनी बहुत बाकी है। हमारे अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र जी आज गए हैं मिलने के लिए ओएसडी साहब से, मनीष श्रीवास्तव जी हैं वो भी गए हैं मिलने के लिए, आज अभी गए हम लोग के साथ, 2 घंटे में आ जाएंगे। और सर, हम लोग का सबसे बड़ा चीज़ सर, 9 महीने से हम लोग यहाँ बैठे हैं, 4 साल से पीड़ित है सर। जनवरी 2021 से फॉर्म भरा गया पेट का, 22 में फॉर्म हम लोग को होता है कि आप लोग पेट में इतना नंबर पाए हो, आप लेखपाल के लिए एलिजिबल हो, 52 नंबर पाए हो, 52 हम लोग फॉर्म भरे, परीक्षा लिया गया, रिटर्न लिया गया, एग्जाम में हम लोग को पास किया गया, आप लोग पास हो गए, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद बाहर कर दिया जाता है। हम लोग मिलते हैं, जाते हैं सर सचिव साहब से, सचिव साहब कहते हैं थोड़ी छोटी सी गलती आयोग की थी, आप लोगों ने आपसे फार्म भरवा लिया, ये सर छोटी सी गलती है, 4 साल हमारा लिए करें छोटी सी गलतियाँ, आगे मिलेंगे, सब कुछ डिटेल उनके पास है, उनके पास कंप्यूटर नंबर फीड है सबका नंबर, यहाँ तक कि आयोग से ही उनके समीक्षा अधिकारी हैं प्रमोद पांडे सर, उन्होंने कहा था कि 52 नंबर पे आप लोगों की कटाव जाएगी, मेडिकल टेस्ट होगा एक नॉर्मल सा, जिसमें चलने फिरने साइकिल चलाने का ही होगा, उसमें बाइक चला सकता है, साइकिल चला सकता है वो कोई, उसके बाद आप लोग को उसमें लिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि आयोग के अनिल यादव सर हैं, क्या इन लोग में आपस में मीटिंग होती है, कहते हैं कि अब आपको इस भर्ती में नहीं लिया जाएगा, अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें लिया जाएगा। ताकि 4 साल हमारा बर्बाद किया गया, उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे एक भाई गाजीपुर के अभिषेक राय, बहुत अच्छे आदमी थे, घर के जिम्मेदार थे, उनकी बहन थी, माता जी थी, उनका भी हो गया इसमें परीक्षा में हो गया, बाहर कर दिया, उसके बाद सुसाइड कर लिए, 4 जनवरी को उन्होंने सुसाइड कर लिया, उसका भी न्यूज सर पेपर वगैरह में आया था, उसके लिए सब जगह उसको गया है। हम लोग नहीं चाहते कि कोई हमारे भाई इसके ऐसा कदम उठाएं, कोई, क्योंकि सबके परिवार है, कोई माता है, पिता है, एक दिव्यांग है, उसका सर एक नौकरी लग जाएगी, 3 पीढ़ी उसके माता पिता, आगे भविष्य में अगर शादी ब्याह हो जाएगा नहीं तो कौन शादी ब्याह करेगा। और ये लोग कहते हैं कि प्राइवेट नौकरी करो, तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट अगर नहीं उनको देगी तो प्राइवेट वाले कहाँ से देंगे, उनको तो तुरंत बाहर कर देंगे, उनको नॉर्मल चाहिए, विकलांग नहीं चाहिए, दिव्यांग नहीं चाहिए। अध्यक्ष हैं हमारे साथ मनीष जी, आज जो आप लोग गए थे अभी ओएसडी साहब से मिलने, क्या कुछ बात हुई और एक बड़ा प्रदर्शन जो है आप लोग की तरफ से चल रहा है? मैं तो पहले ताज्जुब करता हूं कि एक ऐसे तुच्छ आदमी को अधिकारी लेवल पे क्यों बैठाया गया है। मैंने वहां देखा कि एक जनता दरबार लगा है, 50 लोगों को बैठाया गया है, जिसमें से सबसे आ रहे कागज ले रहे हैं,
आगे सुनवाई नहीं ना। एक महिला कहती है मेरे पास जमीन का वो है, तो कह रहे पहले से आपने किसी कब्जा कर रखा होगा। ये क्या अधिकारी लेवल के आदमी है? हम आज 3 महीने से ये लेखपाल के भर्ती के अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं और उनको एक खिलवाड़ लग रहा, कह रहे हमने तो नौकरी आसानी से पाली थी। ये शब्द होते हैं किसी अधिकारी के? किस अधिकारी की बात कर रहे हैं, कौन से बताइए? चौहान है जी, हमको जो पुलिस, हमको भी नहीं मालूम था उनका, क्योंकि नेम प्लेट तो लगाया नहीं है, लेकिन पुलिस विभाग ने हमसे बताया कि चौहान जी से आपकी मुलाकात हुई है। सोचने वाली बात है, आज बहुत दुख लगा कि जो समाज की सबसे कमज़ोर कड़ी विकलांग मानी जाती है, पहले तो आपने शुरू सुबह से ही पुलिस बल लगा के हम लोग पे दबाव बनवाया, सब कुछ बनवाया, उसके बाद कहा कि मैं आपको अकेले मुलाकात करवाने ले जा रहा हूँ, वहाँ ले जाके हमको जनता दरबार में बैठा दिया गया। अधिकारी आते हैं वो सीधे कहते हैं कि मैं तो आसानी से नौकरी पा गया हूँ, आप लोग पता नहीं क्यों संघर्ष कर रहे हैं, ज़्यादा तो जाइए कोर्ट जाइए। ये समस्या का हल है? आप सरकार चला रहे हो, आप एक सम्मानित पद पर बैठे हो, आपको ये शब्द शोभा नहीं देता। एक विकलांग ने आत्महत्या की है, अभी क्या चाहते हैं और विकलांग यहाँ मरे? इसकी रणनीति अभी हम आपस में बना के अगले आंदोलन की घोषणा करेंगे। ये आंदोलन विधानसभा पे होगा और ये महाआंदोलन का आरोप लेगा, ये महागठबंधन के तले होगा। बोलिए दिव्यांग महागठबंधन जिंदाबाद। सरकार दिव्यांगों का आरक्षण छीन रही है, रोजगार से आपको दूर रख रही है, क्या लगता है क्या वजह है इसकी? सरकार चलने लायक नहीं है, आपको बता दे 54 लाख दिव्यांग उत्तर प्रदेश में दिखाया गया है। 54 लाख का मतलब हो गया कि एक दिव्यांग से 5 परिवार जुड़े हुए हैं। अपने वोट बैंक को ये समझ नहीं रहे, आने वाले 2027 में यही दिव्यांग और इनके परिवार के लोग इनको दिखाएंगे कि दिव्यांगों की ताकत क्या होती है। आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि दिव्यांगों का आरक्षण छीना जा रहा है, इसकी क्या वजह नज़र आ रही है आप? इसकी वजह साफ है कि विकलांग समाज को पूरे जल से ख़त्म करना चाह रही है। कौन सी ऐसी वैकेंसी है जिसमें विकलांग अगर भरता है तो उसके बाद वो संघर्ष करके लड़ाई करके नौकरी नहीं पा रहा है? इसकी वजह सरकार हमको बताए ना, आखिर क्या दिक्कत आ रही? जब चयन हो गया, लड़के आपने निकाला पेपर में, लड़कों ने परीक्षा दी, लड़के पास कर गए, आपने उनके सर्टिफिकेट चेक कर लिए, सब कुछ हो गया, अब आप कहते हो कि उस पद लायक नहीं है वो। मैं आपको कह दूं कि आप कैमरामैन के लिए आप भरे हैं, आप कैमरामैन चला ले रहे हैं, आप कर ले रहे हैं, और उसके बाद मैं कह दूं कि नहीं आप इस लायक नहीं है, ये कौन सा शब्द है? आप प्रूफ कीजिए, महागठबंधन है, आप हमारे यहाँ की एक टीम बैठाइए, अपनी डॉक्टर टीम बैठाइए, हम लोग भी तो बैठे हमारे सामने, साक्षात प्रमाण कीजिए आप कि अभ्यर्थी नहीं नौकरी के लायक है। आपके कहने से हम कैसे मान लेंगे कि नौकरी के लायक नहीं है ये? आप स्वयं इस बात को यहाँ की एक एक जनता जानती होगी, आप मीडिया वाले जानते होंगे कि आज विकलांग कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे रोजगार हो, चाहे जो चीज़ हो। आज ई रिक्शा चला रहे हैं, टेम्पू चला रहे हैं, चाय की दुकान चला रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसों में देखा होगा ब्लाइंड लोग चपरासी का काम कर रहे हैं, तो क्या आज विकलांग नहीं कर पा रहा? आप आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। मुलाकात का क्या नतीजा निकला? कुछ नहीं निकला, कोई नतीजा नहीं, कोई नतीजा नहीं। ये सरकार निकम्मी है, खुले लफ्जों में आप बात सुन लीजिए। इतने दिन से हम लोग ने सब कुछ किया, अब आखिरी हमारे पास यही चारा बचा कि आत्मदाह, और इसका बड़ा आंदोलन हम लोग अपनी रणनीति कर रहे हैं, उसके बाद सारे आप मीडिया बंधुओं को सूचित किया जाएगा। आत्मदाह, हाँ, लास्ट ऑप्शन। दिव्यांग महागठबंधन के महासचिव हैं हमारे साथ वीरेंद्र कुमार जी, उनसे भी बात करेंगे। गए आप लोग अधिकारी के पास, मुख्यमंत्री के OSD थे, उनसे बात करने, क्या कुछ जवाब मिला उनका? बहुत नकारात्मक जवाब, सरकार की विफलता का जवाब, सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर जो है उन्होंने कहा न्यायालय जाइए। अगर हम न्यायालय जाएंगे यहाँ 9 महीने से धरना अनशन करने के बाद, तो सरकार क्या करेगी? सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, अधिकारियों को त्याग पत्र देना चाहिए। अगर वो अपने आप को नकारा और मकार और साबित करना चाहते हैं कि आप न्यायालय जाइए, न्यायालय क्यों जाए, हक है। अगर ये लेखपाल पद पर जो चयनित दिव्यांग बच्चे, विज्ञापन जारी हुआ, पेपर दिया, पेपर देने के बाद उन्होंने जो है वो रिजल्ट आया, पास हुए, पास होने के बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अब आप कह रहे हो अक्षम है, और उसी श्रेणी के OS श्रेणी के दिव्यांग जो जनरल कैटेगरी के चयन हुए उनको आपने नौकरी दे दी,
और जो दिव्यांग कोटे के अंदर जो वो श्रेणी के दिव्यांग है उनको आप कह रहे हो अक्षम है। अरे ये कहाँ की नीति है भाई, कौन सा रूल कानून बनाते हो तुम लोग बैठ के एसी में? एसी में बैठ के अब कानून नहीं बनेगा, अब कानून दिव्यांगों के राय से बनेगा। और उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांग इस सरकार को और उसके परिवार 54 लाख परिवार इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और इन्हीं दिव्यांगों में से लोकसभा विधानसभा में जाएंगे लोग, और जाने के बाद वो कानून बनाएंगे स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा नौकरी रोजगार के लिए 100% गारंटी के लिए सामाजिक समानता कानून बनवा करके वो सब उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के दिव्यांगों को न्याय दिलाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे तमाम जो दिव्यांगजन हैं लेखबार अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार जो है वो विकलांगों का आरक्षण खत्म करना चाहती है, इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, आत्मदाह तक भी करने को ये लोग तैयार हैं।